हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल शार्पी और बेसिक। आज फिर से मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं कंप्यूटर का आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर मतलब एक टाइप का प्रोसेसर होता है जो आज के कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता है। तो इस माइक्रो प्रोसेसर का काम कैसे होता है या काम क्या करता है ये माइक्रो प्रोसेसर, आइए जानते हैं। ये क्या करता है? ये डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है। और माइक्रो प्रोसेसर एक तरह का चिपसेट होता है, एक तरह का इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जिसके ऊपर सारे के सारे लॉजिक्स और कंट्रोल्स इंक्लूडेड रहते हैं। जैसे हम कोई डेटा कंप्यूटर में डालते हैं तो वो प्रोसेस करने का जो भी काम है वो माइक्रो प्रोसेसर का होता है। ये कैसे काम करता है? ये सबसे पहले इनपुट डेटा को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको एक्सेप्ट करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है और फिर यूजर को आउटपुट देता है। आगे है, माइक्रो प्रोसेसर में दो लॉजिक यूज किए जाते हैं, ये दो लॉजिक यूज होते हैं, वो कौन कौन से हैं? कॉम्बिनेशनल लॉजिक और सिक्वेंशियल लॉजिक। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले है लॉजिक ऑफ जो माइक्रो प्रोसेसर, जैसे मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले इसमें आता है कॉम्बिनेशनल लॉजिक। कॉम्बिनेशनल लॉजिक क्या होता है? इस लॉजिक में क्या होता है, ये डिजिटल लॉजिक होता है और जो कि बुलियन सर्किट, एक टर्म आती है कंप्यूटर में, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसलिए इसको कॉम्बिनेशनल लॉजिक कहा जाता है। कॉम्बिनेशनल लॉजिक का यूज क्या होता है कि एक सर्किट होता है कंप्यूटर का जो कि बुलियन अलजेब्रा को परफॉर्म करता है, किसके ऊपर? इनपुट सिग्नल्स के ऊपर। जो इनपुट डेटा हम लोग भेजते हैं उसके ऊपर बुलियन अलजेब्रा को इम्प्लीमेंट किया जाता है इस लॉजिक के द्वारा। उसके बाद डेटा जो पहले से स्टोर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो हम लोग डेटा कंप्यूटर को देते हैं, चिपसेट को देते हैं, वो डेटा जो है उसके ऊपर बुलियन अलजेब्रा का यूज किया जाता है इस कॉम्बिनेशनल सर्किट्स लॉजिक के द्वारा। और तीसरा पॉइंट जो मैंने लिखा है, इसमें कुछ सर्किट्स आते हैं जैसे हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, जो ऐसे जो भी सर्किट्स आते हैं वो किस तरीके से बनते हैं या कौन से वे से बनाए जाते हैं, वो कॉम्बिनेशनल लॉजिक के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये काम होता है एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक का माइक्रो प्रोसेसर में। आगे चलते हैं। आगे है सिक्वेंशियल लॉजिक। सिक्वेंशियल लॉजिक कौन सा होता है? वो दूसरी टाइप है लॉजिक की, जो कि जब हम कोई भी इनपुट देते हैं वो ना तो एक एक चीज के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, जैसे कि प्रेजेंट वैल्यू हो गई, किसी भी जो हमने इनपुट दी है उसके ऊपर डिपेंड ना होके उस सिग्नल के ऊपर भी डिपेंड रहता है। जो पहले इनपुट डेटा जो सिग्नल है उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है। उन दोनों को कंबाइन करके ये हमें क्या करता है, काम करता है या फिर हमें आउटपुट निकाल के देता है। तो इसमें एक चीज और आती है, वो है इनपुट हिस्ट्री। जो भी चीजें हम लोगों ने इनपुट की हैं पहले तक, या अगला टास्क परफॉर्म करने से पहले जो चीजें हमने यूज की हैं या इनपुट्स यूज की हैं उसकी क्या हिस्ट्री है, उसके ऊपर भी ये बेस्ड रहता है। तो इसको हम लोग कहते हैं सिक्वेंशियल लॉजिक। लास्ट आता है बुलियन अलजेब्रा। अब मैंने आपको बताया था कि बुलियन अलजेब्रा जो है एक तरह का अलजेब्रा होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि इसमें भी वही लिखा है कि एक अलजेब्रा है बुलियन अलजेब्रा, जिसमें क्या होता है, एक होती है वैल्यू 0 और एक होती है वैल्यू 1। तो ये दो वैल्यूज बुलियन अलजेब्रा में कंसीडर किया जाता है जो कि ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में होती हैं। 0 जो है वो फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है और जो ट्रू है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है बुलियन अलजेब्रा के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये थे आज के टॉपिक। बताइए मेरे को आपको कैसे लगे। अगर आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो आने वाले वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।